Hi, this is Shivam Singh. Hi, this is Anushka Patra. Hi, this is Vineet Singh. Hi, this is Sejyoti Dash. And you are watching us on Teleglam. Yes. Hi guys, welcome to Teleglam. Hello. Hello. So, सबसे पहले तो many congratulations top 11 के लिए. Thank you. क्या कहना चाहोगे इंडियन आइडल के मंच पर आने के बाद कितना प्रेशर है, क्या कुछ नया सीखने मिल रहा है अपने रिहर्सल्स के अलावा? प्रेशर कुछ भी नहीं है, हम लोग प्रेशर की तरह कुछ लेते नहीं है इधर, और सब सीखना है, लर्निंग है, बहुत कुछ सीख रहे हैं. हमारे मेंटोर्स भी है, नीरज सर, मंगल सर, जयदीप सर, सबसे सीख रहे हैं. और सिर्फ मेंटोर्स ही नहीं, हम जजेस से भी बहुत कुछ सीखते हैं. जजेस तो है ही, लेकिन हमारे जो सारे कंटेस्टेंट्स हैं वहाँ से, उन सबसे बहुत कुछ सीखते हैं. सब अलग अलग गाते हैं सर, सब चीज़ें बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर, जर्नी बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग, एक दूसरे के साथ बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग मूवी देखने भी जाते हैं, वैसे इंजॉय करते हैं हम लोग. दिवाली में पार्टी यहाँ पे मैंने हम लोगों ने छोटा सा पार्टी किया. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम सीखते हैं इस शो से वो ये है कि अपने काम में 100% कैसे देना है. yes. वो हम सीखते हैं यहाँ के जो हमारी म्यूजिक टीम है उनसे, क्रिएटिव टीम, चैनल, वो लोग अपना काम इतना डेडिकेशन से करते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि हमें भी अपना म्यूजिक उतना ही डेडिकेशन से करना चाहिए, उतना ही डेडिकेशन, परफेक्ट बॉन्डिंग और फ्रेंडशिप के साथ. मजाक के टाइम पे मजाक और काम के टाइम पे काम को कैसे वो बैलेंस में रखना है, वो प्रोफेशनलिज्म भी सीखने को मिलता है. आप लोगों के इंस्पिरेशंस की अगर बात करूं तो सिंगिंग फील्ड में आप लोगों के लिए कौन इंस्पिरेशन रहा है जिस वजह से आप लोग ये करियर को यू नो सोचा कि हाँ ये करियर लेना चाहिए सिंगिंग करियर? मेरे आइडल्स तो बहुत हैं, आर डी बर्मन जी, लता जी, आशा जी, किशोर कुमार साहब और रफ़ी साहब, लेकिन इंस्पिरेशन मैं मानती हूँ अरिजीत सिंह. मेरे लिए मेरा स्टोरी वैसा था कि मेरे पापा मेरे लिए लता जी के कैसेट्स मतलब सीडीज़ हुआ करते थे, डीवीडी सीडीज़, तो वो लाते थे. तो मुझे लता जी का सीडी दिया था उन्होंने, और श्रेया घोषाल मैम का एक एल्बम था वो दिया था. तो जब मैंने पहली लता जी का सुना, लता जी का गाना प्रिपेयर किया, फिर मैंने श्रेया घोषाल मैम का गाना सुना, तब मुझे कहीं ना कहीं दिल में एक एहसास हुआ कि मुझे भी जैसे फिल्म चलता है जब एक्टर एक्ट्रेस एक्टिंग करते हैं उसके पीछे जब गाना चलता है, मुझे भी उनके लिए गाना है, मुझे मतलब मुझे प्लेबैक करना है. तो वो बचपन में वो ड्रीम आया कि मुझे करना है, उसको अचीव करना है कैसे भी करके. तो तब से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ. तो मैं मानूंगी लता जी एंड श्रेया घोषाल मैम. मुझे रफ़ी साहब ऑफ कोर्स और सोनू जी, क्योंकि इन दोनों को सुन के ही मैंने जो भी सीखा है इन दोनों को सुन के सीखा है. और मुझे सिंगर तो बनना ही ऑफ कोर्स इन दोनों की तरह, पर मुझे रफ़ी साहब जैसा इंसान भी बनना है क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान थे. और मेरी कोशिश यही रहेगी कि जब भी मैं उनके गाने गाऊँ तो उनके गानों के साथ इंसाफ करूँ, और उनके गानों को कभी भी उनके गानों से कोई खिलवाड़ ना करूं, क्योंकि वो गाने बहुत प्रेशियस हैं लोगों के लिए और सबके दिलों में बसे हुए हैं. तो ऑफकोर्स वही मेरे आइडल हैं, वही मेरे इंस्पिरेशन हैं, और मैं कोशिश करूँगा उनको जैसे. टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि मैं एक फैमिली म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे कभी ये सोचने का मौका ही नहीं मिला कि मतलब सच में मुझे सोचने का, मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरा आइडल एक्चुअली है कौन, क्योंकि मैंने सभी को सुना और उसमें से मुझे पर्सनली जो अच्छे लगते हैं उनको मैंने फॉलो किया. मुझे गज़ल में मेहदी हसन खान साहब, गुलाम अली खान साहब, जगजीत सिंह जी, ये बहुत ज़्यादा उन्होंने इंस्पायर किया गज़ल डायरेक्शन में. बॉलीवुड में तो नन अदर देन हमारे चार लोग जिनको स्तंभ कहना चाहिए, शुभ से रफ़ी साहब, किशोरदा, लता जी, आशा जी, तो इन सब को मतलब बॉलीवुड से उनसे इंस्पिरेशन मिली. तो मतलब ये सब चलता ही रहा, और जिनका अच्छा लगने लगा उन सबको फॉलो करने लगा, और सब में से कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेते हुए मैंने अपने आप को कंप्लीट करने का अभी भी कोशिश कर रहा हूँ. सो वैसा ही है अभी. ओके, पिछले एपिसोड की बात करें, यू नो सुपरस्टार सिंगर्स के बच्चे आए थे और आप लोगों के पार्टनर्स बने थे, तो क्या कहना चाहोगे उनके साथ गाकर कितना आप लोगों ने एंजॉय किया? और अपने पार्टनर्स के अलावा अगर आपको चूज करना होता तो आप किसे अपना पार्टनर चूज करते? बच्चों में? यस, बच्चों में तो अनुष्का ने और विनीत ने गाए, तो हम लोगों ने नहीं गाए, बट उनके आने से नहीं, सबसे बड़ी बात ये है कि वो आते ही ना एक पॉजिटिव अलग एनर्जी लेके गए हम सब, बॉम्ब फूटा एनर्जी, मतलब हम अपने अंदर के बच्चे से भी मिलते हैं उसको. हाँ, येस, येस, और मतलब ऐसा हम भी कभी ऐसे थे, ऐसा लग भी रहा था कि वो हमारे साथ ही रह जाए, पूरा फिनाले तक रह जाए हमारे साथ. अगर आप पूछेंगे कि किसी एक बच्चे को हम चुने कि जिसके संग हमने गाया था, उसके अलावा हम किसके संग गाना चाहते, बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि मैंने समारे के साथ गाया था,
गाया था ना, आई वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि मैं रफ़ी साहब के गाने गाता हूँ और वो उसने वो गाना इतना अच्छा गाया था मेरे साथ, सुंदर गाया। पर अगर मुझे मौका मिले तो मैं सच बताऊँ मैं किसी के साथ भी गाना चाहूँगा, बिकॉज दे ऑल आर सो टैलेंटेड और अपने काम की तरफ इतना फोकस्ड हैं वो बच्चे, मतलब बिल्कुल कोई 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 बात नहीं। कम एज में ऐसा गाना मतलब बहुत बड़ी बात है, मतलब अभी हम लोग सोचते कि कितने टैलेंट है दुनिया में। जैसे हम मनी का गाना सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि यार कोई बच्चा ऐसे कैसे गा सकता है, इससे अच्छा सूफी कोई बच्चा गा ही नहीं सकता ऐसा। फिर वो रोहन के गाने में जो मस्ती दिखाता है प्रांजल, कैसा मतलब ऐसा लगता है कोई ऑथेंटिक फोकिश वॉइस आई हुई है, क्या बच्चे नामुमकिन है, सभी के अंदर अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक है और उसका कमाल है, सबके सब कमाल है। ओके, ये जानना चाहेंगे इस मंच पर यू नो काफी सारे लेजेंड्स आते हैं, आप किसे यू नो होप रखते हैं, आपके आपके लिए कौन सा लेजेंड है जो आपको आकर कॉम्प्लीमेंट देकर जाए इस मंच पर? मेरे लिए तो अरिजीत सिंह, मेरे लिए तो अरिजीत सिंह सर, मेरे लिए मेरे लिए और भी है, सॉरी मैंने जिनको कहा कि मेरे आइडल है आशा जी, मैं चाहती हूँ कि वो एक बार हमारे शो में आ जाए, मैं सिर्फ उनका पैर छूना चाहती हूँ बस और कुछ नहीं। जितने भी लोगों ने काम किया है अच्छा वाला काम, जिनको हम फॉलो करते हैं, हम चाहते हैं वो सब आए, लेकिन कुछ उनमें से है जिनको हम दिल से चाहते हैं, जैसे मैं एलपीजी से मिलना चाहता था, जिन एलपीजी का एपिसोड देख के मैंने डिसाइड किया था कि मुझे इंडियन आइडल में आना है, वो एक मोमेंट मेरा पूरा हो चुका है, आई फील वेरी लकी। बट उसके बाद मैं चाहता हूँ कि रफ़ी साहब तो आ नहीं सकते, बट उनकी फैमिली से कोई आ जाए और उनका एक रफ़ी साहब का स्पेशल हो जाए, जो मैं वो एपिसोड जीना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार एक बार मतलब एलपी के साथ मेरा भी वैसा ही था कि जैसे विनीत भाई ने कहा, बट दूसरा अगर मैं किसी को चाहता हूँ तो मैं चाहता हूँ अजय अब्दुल्ला एक बार हमारे शो पर, मेरी दिल से ख्वाहिश है। मेरे लिए अरिजीत सिंह, क्योंकि अरिजीत सिंह को मैं इंस्पिरेशन मानती हूँ इन द सेंस ऑफ लर्निंग, क्योंकि अरिजीत सिंह ऐसा म्यूजिशियन है अभी के टाइम पर जिसको म्यूज़िक का हर चीज़ पता है, सिर्फ म्यूज़िक गाना नहीं, मतलब एज अ सिंगर सिर्फ गाना सब कुछ नहीं होता, गाने के अलावा म्यूज़िक में बहुत सारी चीज़ें हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आती है, प्रोडक्शन आती है, मिक्सिंग मास्टरिंग आती है और भी कई सारी चीज़ें। अरिजीत सिंह ऐसा मुझे लगता है, अरिजीत सिंह हो या फिर अजय अतुल हो, ये सिर्फ संजुती नहीं या ये नहीं, सबके लिए सब चाहते क्योंकि दे आर लेजेंड, क्या काम है उनका। तो हम उनका नाम इसलिए नहीं लेते क्योंकि हमको पता नहीं होता, जैसे अरिजीत जी किसी शो पे आते नहीं, आते नहीं है, तो अफकोर्स अगर वो आने को तैयार हो तो हम सब उनका नाम लेंगे, अजय अतुल जी हो या फिर अरिजीत हो, ये दोनों आएंगे तो फिर चार चांद ही लगेंगे, ये लोग जिस शो पे आएंगे उस शो की टीआरपी यहां चली जाएगी सभी। लास्टली ये जानना चाहेंगे अगर आप लोगों को गाना गाना हो किसी एक्टर के लिए या एक्ट्रेस के लिए, तो वो कौन से सेलिब्रिटीज होंगे जिसके लिए आप गाना पसंद करोगे? मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं तो सबके लिए गाना चाहती हूं, मैंने ऑलरेडी गा लिया है सलमान सर के लिए, अक्षय सर के लिए और काफ़ी सारे एक्टर्स के लिए, अजय देवगन सर के लिए, मुझे मैंने जिसके लिए नहीं गाया है उसके लिए मैं गाना चाहता हूँ, वो हैं शाहरुख खान एंड रणबीर कपूर। मैं तो सबके लिए गाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे मतलब सब एक्ट्रेस बहुत पसंद है, लेकिन अगर आप मुझे पूछे कि कोई एक जिसके लिए मैं स्पेशली गाना चाहती हूँ तो वो है दीपिका पादुकोण, क्योंकि मुझे लगता है कि उन लिटरली जब तुम दीपिका पादुकोण के लिए गाना ना तो मेरी सिफारिश करना, रणवीर सिंह के लिए भी गाऊंगा मैं डन 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 क्योंकि उनमें एक अलग ग्रेस है और जो भी उनके आज तक परफॉर्मेंसेस रहे हैं तो मुझे बहुत पसंद आते हैं वो, उनके कैरेक्टर वाइज परफॉर्मेंस वाइज। तो मैं तो अपने आप को इतना केपेबल मतलब बनाना चाहती हूँ कि हर एक्ट्रेस में मेरा वॉइस सूट कर जाए। एक्ट्रेस ही क्यों, एक्टर पे भी करेगा, पंचमदा भी गाएंगे एक्टर के लिए, है ना? एक्टर पे भी जिस पे मेरी वॉइस सूट करे मैं उनके लिए गाना चाहूँगा। मैंने अब तक सोचा नहीं था लेकिन आपने क्वेश्चन पूछा इसलिए, जो सिचुएशन हो और जो एक्टर हो जिसमें मेरा वॉइस अच्छे से सूट हो, सूटेबल हो। एक्चुअली मैं तो चाहता हूँ कि इस शो के बाद हम इतने बड़े बन जाएं कि हमें किसी एक्टर की ज़रूरत ही ना पड़े, हम अपने सिंगर्स हमारे गाने खुद के गाने बना के हैं, क्योंकि अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मतलब सिंगर्स और टैलेंट भी इतने सारे हैं कि मतलब अभी कोई भी सिंगर या कोई भी आर्टिस्ट मतलब किसी एक चीज़ का मोहताज नहीं, अगर टैलेंट इज़ जेन्युइन आगे ऑब्वियसली आएगा।
यस बिल्कुल बिल्कुल ब्लू है ब्लू है ब्लू है पानी चलो वन टू वन टू थ्री आज ब्लू है पानी 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 और तू भी सानी 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 आ जाओ ऑन द